कैसी रही आपकी जर्नी अभी तक? कहाँ, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसा था सब कुछ। मेरा तो भाई सिंपल था। पहले वही आईआईटी की तैयारी करी 2 साल, हुआ नहीं आईआईटी में, फिर डीटीयू में हुआ। उसके अच्छा बाद डीटीयू में वही, फिर डीटीयू में काफ़ी सही कल्चर था कोडिंग वोडिंग का। कंपेटिव कोडिंग पहले शुरू करी, फिर उसके बाद सोचा एमएस करने जाऊंगा, तो रिसर्च वगैरह भी शुरू करी। तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट सब जगह ही हाथ पैर मारे। पहले एमएस में मारे, एमएस के लिए रिसर्च करी, उसके बाद फिर जीसॉक करा, उसके बाद हैकाथॉन्स में पार्ट लिया, डीएस, मतलब सब कुछ, डीएसएल को सब कुछ करा। उसके बाद फिर थर्ड ईयर में अमेजोन में इंटर्नशिप लग गई, उसके बाद ओके अमेजोन में जॉब, उसके बाद पीपीओ मिल गया। 2 साल 2.5 साल वहाँ काम करा, उसके बाद गूगल में। तब तक मतलब मेरे को समझ आ चुका था कि मास्टर्स करने में कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जिन्होंने मास्टर्स करी थी वो भी फिर वही जॉब कर रहे थे जो मैं कर रहा था, करेक्ट बस वो करेक्ट यूएस में कर रहे थे तो बस हाँ बस इतना ही वो डिफरेंस था। करेक्ट। यूएस आने का तरीका ही है आई थिंक मास्टर, ये तो सभी को पता है आज की डेट में काफी सारे, बट यू विल बी सरप्राइज क्योंकि स्टडी अब्रॉड का भी जो मेरा पेज है एक इंस्टाग्राम पे, स्टडी अब्रॉड में भी हम कुछ चीजें लॉन्च कर रहे हैं अभी। तो स्टडी अब्रॉड का जो मार्केट है ना एक्चुअली वो क्या है कि बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, और इंडिया में जो कंसल्टेंट है ना अगर आप उनके पास बैठ जाओगे ना तो वो उनके पास ना ना बोलने वाली कैपेसिटी खत्म हो गई है, क्योंकि अगर वो ना बोल देते तो उनका क्लाइंट घर चला जाता है ना। तो अगर उनके पास इस टाइम पे जैसे कोई दो बच्चे आए और वो उनकी मम्मी बैठी है, पेरेंट्स मेरे को फोन कर लेते हैं कई बार है ना कि अब तो जैसे क्राइटेरिया क्या है मास्टर्स में, मतलब आपने इंडिया में कुछ डिसेंट कर रखा हो तभी आपका सक्सेस का रेट यहाँ पे इंक्रीज होगा है ना। जब आपने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं करी तो मैजिकली आके एक साल में तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इंडिया में क्या चक्कर है कि इंडिया में अगर आप ये चीज किसी को समझाओ ना तो वो बुरा मान जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप खुद पे चले गए, हमारे बच्चे को नहीं भेजना चाहते। तो बहुत तो हजारों क्लाइंट ऐसे ही आते हैं जो ये बोलते हैं कि जाना ही जाना है आप हमें, मतलब हाँ तो हमने पहले ही कर दिया, कॉलेज बता दो आप, तो आप उन्हें मना करने का वो चांस ही नहीं देते, तो आप उन्हें कॉलेज बता दो। तो अब यूएस और कनाडा में बहुत दिक्कत आ गई है भाई। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा अनस्किल्ड इंडियन लेबर पहुंच रहा है मास्टर्स करने, जिन्होंने मास्टर्स इसलिए नहीं करी कि वो थीसेस या पीएचडी है ना ये वो, ना ना उन्होंने इसलिए करी, वो इसलिए आ गए क्योंकि उनको मन था आने का है ना, उनको ये था कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है भाई, फ्लाइट लेनी है, न्यूयॉर्क जाना है, और मास्टर्स करने आ गए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपना, तो बाहर काफ़ी लोगों को आओ। वापस आना पड़ रहा है। कनाडा से तो बहुत लोग मैंने देखा है वापस आ जाते हैं, यूएस से फिर भी कम आते हैं, बट कनाडा से तो बहुत लोग वापस ही आ रहे हैं। कनाडा में तो भाई इकोनॉमी ही डेड है, कनाडा की तो इकोनॉमी बहुत ही मतलब डाइंग इकोनॉमी है, टेक की कंपनीज बहुत कम है, स्नोफ्लेक, डेटा ब्रिक्स, ये दो चार शॉपिफाई वगैरह तीन चार कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं, बाकी सेम है, सैलरीज बहुत कम है, इमिग्रेशन इतनी आसान हो चुकी है कनाडा की कि यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा है, यहाँ पे तो एयरपोर्ट पे कुछ पूछते भी नहीं है लोग जो मैंने सुना है, तो बहुत बुरा हाल है। हाँ तो रिवर्स इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, बट ये जरूर है कि अगर आप अगर मन बना के आ जाओ ना बाहर मतलब अभी जैसे बहुत टैलेंटेड लोग भी आ रहे हैं, अभी दो लोग माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के भी आ रहे हैं, कई लोग गूगल अमेजोन इंडिया में छोड़ के भी आ रहे हैं इस टाइम पे 2024 में, जस्ट अभी वो हमारे क्लाइंट भी रह चुके हैं पहले, और मेरे बहुत मतलब दोस्त भी हैं काफी सारे जो इंडिया में सेटल्ड जॉब्स में हैं, जो इंडिया में 20-25-40 लाख रुपए कमा रहे हैं मिनिमम आफ्टर टैक्सेस वगैरह, वो भी छोड़ के आ रहे हैं मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं, मतलब रिस्की स्टेप ले रहे हैं। अब पता नहीं वो कितना रिस्क है क्योंकि यूएसए की सैलरीज तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाई है, ये सबको पता ही है ना। बट मतलब ये बात बहुत सही थी अभी से 2-3 साल पहले। अब रिसेंटली मैंने क्या देखा है कि यूएस में जॉब्स कम होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ हाई सैलरीज, और अब इंडिया में उसकी बहुत जगह ज़्यादा बढ़ ज्यादा रही हैं। काम एक्चुअली अब हाँ क्या है कि बिग टेक कंपनीज का अगर मैं राज बताऊं ना भाई, इंडिया में हायरिंग बढ़ती जा रही है और बाहर कंट्रीज में कम होती जा रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये खेल खेल रहे हैं बेसिकली, बिहाइंड द सीन तो क्या ही है, मतलब सब सभी को पता है अब कि इंडिया में ऑब्वियसली जो टैलेंट है वो बहुत ही जबरदस्त है ना, बहुत ही मेहनती है, रिमोट जॉब्स और ये बढ़ती जा रही है और अगले 3-4 साल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी है ना। सेकेंड चीज ये है कि जो बाहर का टैलेंट है यूएस कनाडा का वो बहुत एक्सपेंसिव है, और उसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपके इंडियन भाई बंधु ही काम कर रहे हैं जो मास्टर्स से आए हैं है ना, जो करके आए हैं। तो अब हो क्या रहा है कि जो इंडिया में मैनेजर बैठे हैं या जो डायरेक्टर्स बैठे हैं अब उन्हें ये सारा ना इकोसिस्टम समझ में आ चुका है, तो अब इंडिया में इतनी दबा के हायरिंग होने वाली है अगले 2-3 साल में जो मैंने देखा है बड़ी टेक कंपनीज में, तो क्योंकि मतलब
मतलब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 100 लोगों की जगहों पे आपको सिर्फ, पहली बात तो AI टूल्स वगैरह की वजह से ही आपको कम लोग चाहिए। जहाँ 4 बंदों की जरूरत थी वहां में भी 3 बंदों की जरूरत है ना। और कंपनी की प्रायोरिटीज भी चेंज हो रही हैं, AI स्पेसिफिक टूल्स पे ज्यादा फोकस है ना, वो सारी चीजें भी। तो जो पुराने टूल्स हैं उनको ऑफसेट भी करा जा रहा है, तो लोगों की इन जनरल वैसे ही कम नीड है और टैलेंट सस्ता अवेलेबल है इंडिया में एज कम्पेयर टू USA। अब USA के जो मैनेजर हैं वो बैठ के खा रहे हैं साल का 5-6 लाख डॉलर मिनिमम, जो 3-4-5 करोड़ रुपए। इतने में तो आप कितने भी फ्रेशर हायर कर लो, चाहे 10 लोगों की टीम पे सही लो, है ना। तो हाँ। ये फायदे भी उठा रहे हैं कंपनी वाले ना। तो मतलब आपका मैंने देखा था, आपने डायरेक्टली बैचलर्स करी बाहर से। तो सपोज आज कोई 10th में बच्चा है, ठीक है, सपोज मैं 10th में हूँ, मेरे को सोचना है कि अगले 2 साल में IIT की तैयारी करूँ या फिर मैं बस अपने बोर्ड के मार्क्स पे फोकस करूँ और बाहर पढ़ने चला जाऊँ, तो क्या बेटर ऑप्शन होगा? देखो अंडर ग्रेड, एक्चुअली मैं बताता हूँ, अंडर ग्रेड में जो मेरी पर्सनल एडवाइस रहती है ना लोगों को, वो ये रहती है कि अंडर ग्रेड एक बहुत ही रिस्की मूव है। तो अंडर ग्रेड सबसे ज्यादा रिस्की इसलिए नहीं है कि आपके यहाँ पैसे लग रहे हैं, पैसे तो लगेंगे लगेंगे, 1 CR+ आपको चाहिए चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो मैं एनालॉजी जो यूज करता हूँ वो ये करता हूँ कि पायलट बन जाओ, मतलब पायलट बन जाओगे इतने पैसों में, पायलट बन जाओ या फिर आप अंडर ग्रेड बाहर से कर लो, एक ही चीज है ना। तो इतना बड़ा रिस्क है कि आप एक अंडर ग्रेड की डिग्री ले रहे हो, उस सेम पैसे में आप एक रेडीमेड पायलट बन जाओगे जो कि बिल्कुल रेडी है फॉर अ जॉब, और उसे 100% जॉब मिलेगी मिलेगी, है ना कहीं एमिरेट से इधर उधर। तो पहली बात तो रिस्क बहुत बड़ा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 4 साल की डिग्री, पैसा बहुत ज्यादा, ये सब। बट उससे बड़ा रिस्क क्या है कि आप बहुत छोटे होते हो जब आप यहाँ जाते हो, तो आप 17 साल के ही होते हो, 17-18 साल का आदमी होता है जो एकदम नए देश में चला जाता है। और प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में ऑब्सेशन ना अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा, कॉलेज की रैंकिंग से, IIT से, इन सारी चीजों से। मेन इशू है कि वहां जाके भी तो पढ़ाई करनी है 4 साल, ये तो भूल गए लोग। लोग क्या बोलते हैं, IIT हो जाए बस, और IIT के पहले 4 साल में, 3 साल में कुछ नहीं करा, तो फिर वहां पे भी दिक्कत आ रही है। तो IIT के भी कितने सारे लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, बहुत सारे IIT नहीं आते मेजरली वो। अब उसका पहले तो रीजन ही होता था कि वो थीसेस और ये अच्छी अच्छी चीजें, अब उनका रीजन चेंज हो रहा है। अब उनका रीजन ये है कि हमने 3 साल करा और हम मास्टर्स करने आए थे। तो अंडर ग्रेड मैं ये बोलूंगा बहुत रिस्की है, पैसों के मामले में, एक्सपोजर के मामले में, सारी चीजों के मामले में। तो मैं तो यस दो लोगों को बोलता हूँ, पहले उन्हें बोलता हूँ कि अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो सोचने वाली बात नहीं है, तो आप एक्सपोजर के लिए भेज दीजिए बच्चे को। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए अफोर्ड कर सकते हो नेक्स्ट 4 ईयर्स विद इंटरेस्ट 12% के आसपास इंटरेस्ट, ये वो, तो आप बच्चे को आंखें बंद करके भेज दो, IIT सब कुछ भूल जाओ आप। आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको बिजनेस सीखोगे, एंटरप्रेन्योरशिप सीखोगे, कोडिंग में सारी चीजें सीख जाओगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सारा कुछ है, A to Z, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ आप, है ना, सब कुछ हैंड्स ऑन है, थीसिस के बेस्ट प्रोफेसर हैं, सबको पता है, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको IIT मास्टर्स के स्टूडेंट्स में IIT टॉपर मिलेंगे, सारे मेरे जो रूममेट थे वो सब IIT के टॉपर थे, है ना। तो एक्सपोजर हर तरीके का आपको मिलेगा। तो पहले तो ये होगा कि आपके पास अगर 1 करोड़ पड़े हैं घर पे, है ना, तो आप भेज दो। सेकंड ये है कि अगर आपको लगता है कि जो हमारा लड़का है या लड़की है ये बहुत मतलब मेहनती, अच्छा है और कर सकता है, एंड यू कैन टेक द रिस्क बेसिकली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, देन ऑल्सो यू कैन सेंड, इट इज अ ब्यूटिफुल डिसीजन। मैंने भी अंडर ग्रेड 2017 16 17 के आसपास आया था, मैं 16 में आया था, और काफी मतलब काफी फ्रूटफुल रहा, क्योंकि आपके काफी साल बच जाते हैं, आप बड़ी जॉब पहले कर सकते हो, है ना, वो सारी चीजें हैं। बट हाँ, उसका प्रीरेक्विजिट बहुत ज्यादा मतलब बेसिकली ये है कि मेहनत ना एक्चुअली यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक दूसरी कंट्री में भी हो ना एज अ वेरी मतलब न्यू। तो मैं तो क्रिकेट खेलता था, 10 साल मैंने क्रिकेट खेला इंडिया में, तो हमारा तो वो वाला एक्सपोजर था ही कि मतलब माँ बाप से दूर रह सकते हैं और वो सारी चीजें। बट जो बच्चे हैं ना जो अब यहाँ आ रहे हैं, वो अब क्या है कि 20-20 साल के बच्चों के हजारों मैसेज है मेरे पास कि मैं लोनली हूँ, है ना। लोनलीनेस की कौन सी बीमारी थी, हमें तो कभी ना थी ना कभी है। बट नई मार्केट में ये चीजें आ गई हैं जो लोगों को नहीं पता है ना, कि लोग यहाँ बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ के उस पे जाते हैं, अपना क्या कहते हैं, थेरेपीज ले रहे हैं काफी सारे बच्चे ना। तो ये प्रॉब्लम्स इवन यू नो मनी से भी ज्यादा है, क्योंकि फिर इसके बाद आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो मोटा मोटा मुद्दा ये है कि आपको बहुत सारी चीजें खुद करनी है, और सेकंड चीज ये है कि यहाँ पे काफी चीजों का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो जो इंडिया में तो बहुत सारी चीजों की बातें नहीं हो रही है, अब होने लग गई हैं। अब जैसे 2024 में मैं देख रहा हूँ
कि बहुत एक्सपोजर बढ़ रहा है क्योंकि बैंगलोर काफी ग्रो हो गया है, हैदराबाद ग्रो हो गया है बहुत ज्यादा, दिल्ली गुड़गांव में बहुत बातें हो रही है, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे आ गए हैं ना जो बातें करे, बट 2016 में नहीं था ऐसा। 8-9 साल पहले अगर मैं बात करूं तब तो बहुत ही कम था। तब मतलब ऐसा लगता था कि आप इंडिया में किसी को भी बोल दो कि अपने टूल भी बना सकते हो, जैसे अपना सैस का टूल बना दिया है किसी ने, है ना, तो वो बोलते हैं अरे यार है ना ये क्या होता है ना, ये किन चक्रों में पड़ गया तू, है ना। तो जो इवन मेरे रूममेट्स ही होते थे उस टाइम, मेरे को याद है एक भाई होते थे, मैं उन्हें कभी कभी शेयर करता था कि यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप का क्लब है वहां चलते हैं, है ना, वो कह रहे क्या इन चक्रों में पड़ रहा है तो यार पढ़ाई वढ़ाई कर लेना घर बैठ के, है ना ये सारी। तो अपना थोड़ा माइंडसेट हल्का सा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, हमारा भी ऐसे ही था, बट ये कि अब तो बहुत तगड़ी वेव आ गई है ना। बट यूएसए में सबसे और बाहर ना बढ़िया ये है कि हर आदमी ना यहाँ पे अपना इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है, तो अगर कोडिंग भी अगर होगा ना, कोडिंग की अगर 250 बंदों की क्लास में बैठोगे जिसमें अंग्रेज बैठे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्हें कोडिंग पसंद है ना। बट ये कंपैरिजन इंडिया में अगर आप करोगे तो वो जबरदस्ती बैठे हैं उसमें, 240 में से 240 ऐसे लोग हैं जो 5th में हिंदी जबरदस्ती सिखाई, 11वीं में उन्हें पटक दिया इंजीनियरिंग में, फिर उन्हें पटक दिया भैया तुम आईआईटी में जाओ, है ना, माँ बाप का सपना पूरा करो, और फिर उन्हें कंप्यूटर साइंस सिखा दी। उन्हें 8वीं में 9वीं में 10वीं में तो किसी ने बोला ही नहीं था कंप्यूटर साइंस आपको करनी है, बट यहाँ पे बड़ा डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको हैकाथॉन्स भरी मिलेंगी, लोग अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लोग अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कोड से, है ना, लोग अपने घर वालों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यार ऐसे से मैं लॉयर से मिला था, उसने मेरे को बोला यार ये बड़ा ना पुराना सॉफ्टवेयर है यार इसका कोई जुगाड़ मिल जाएगा, कब वो कहता है नहीं भाई ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है इसको मैं कोड से सॉल्व करूंगा, है ना। तो ये जब मैंने देखा कि यार यहाँ तो कमाल है, यहाँ तो साला इंटरेस्ट बेस्ड चीजें चल रही हैं, हम तो कॉपी पेन लेके बैठे, हम तो कॉपी पेन लेके बैठे भैया, लिस्ट क्या होती है ना, और HTML के टैग बना रहा था मैं तो, कॉपी पे टैग बना रहा था HTML के कि सर्टिफिकेट मिल जाए, है ना, या फिर कुछ नौकरी लग जाए बस किसी भी तरीके से, बाकी चीजें तो बाहर गई, बाकी चीजें इंटरेस्ट वगैरह का क्या करना है यार, इंडियन आदमी है नौकरी से मतलब है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस देखा मैंने, है ना, कमाल का। जो वो ये कहते हैं कि भाई अंग्रेजों के पास क्या है कि मिनिमम वेज तो है ही यहाँ पे, है ना, वर्स्ट तो इंडिया में हो नहीं सकता बेसिकली, सिस्टमेटिकली पॉसिबल नहीं है इंटरेस्ट को फॉलो करना क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क नहीं है, यहाँ पे ये उबर चला लो आप, उबर चला के भी लाखों रुपए कमा सकते हो, आप डोडैश कर लो, आप अपना मैकडोनल्ड्स पे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिस्क फ्री हो। तो इंडिया में ही कर नहीं सकते ना, इंडिया में कैसे करोगे आप, इंडिया में जैसे किसी को नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो जो रिस्क टॉलरेंस है ना वो बहुत ज्यादा कम है, मतलब वो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपके पास एक बेस नहीं है अनफॉर्चुनेटली ना, तो वो दिक्कत है। बट हाँ यहाँ पे एक वो सीखने को मिलता है आपको कि जैसे हैकाथॉन्स में यहाँ पे कोई बुलाने की भी जरूरत नहीं है आपको, भले इतनी एप्लीकेशंस है भाई, मैं हैकाथॉन्स का मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम में था अपने कॉलेज की, ओ हो मतलब हजारों एप्लीकेंट्स, और इंडिया में तो बल्कि आपको रीच आउट करना पड़ता है ना इन्फ्लुएंसर्स, हाँ कि मतलब 100-200 बंदे आ जाए तो हम इसको सक्सेसफुल मान लें, इस टाइम पे इतनी बुरी हालत है, और उसमें भी इसलिए आते हैं लोग इंडिया में कि हायरिंग होती है वहां पे कभी कभी, जो ये जेपी मॉर्गन वगैरह हो रही है ना इसमें, इसीलिए आते हैं क्योंकि हायरिंग वायरिंग हो जाए, बट जो कोई प्राइज मिल जाए कुछ मिल जाए ना, मतलब ये तो है ही नहीं कि भाई जाएंगे 2 दिन अपना बढ़िया कोई प्रोडक्ट बनाएंगे वहां जाके ना, और बढ़िया लोगों से मिल लेंगे, कनेक्शंस बन जाएंगे, तो हल्का सा वो है कि ये शिफ्ट चाहिए जो मिसिंग है ना अभी इंडिया में, कि बहुत ज्यादा ऑब्सेशन जो हमारा वो है कि किसी भी तरीके से हमारी नौकरी लग जाए, बाकी चीजें में हमारा मतलब इंटरेस्ट हमारा बिल्कुल नहीं है कोडिंग में, मतलब जो मैक्सिमम लोग है ना इस टाइम पे मार्केट में, और फिर उसका रीजन ये भी होता है कि फिर आप एक लेवल के ऊपर कभी अपने आप को वो क्यूरियोसिटी से ना मतलब लेके नहीं जाते हो, जैसे मतलब आप देखो ना कि आप इतनी वीडियोस बना रहे हो जैसे सिस्टम डिजाइन वगैरह, 99.9% पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू नो लर्निंग सिस्टम डिजाइन अनलेस उनका इंटरव्यू आ रहा हो, आप ये देखो है ना, अगर इंटरव्यू नहीं, जैसे जॉब लगने के बाद कौन डीएसए करता है आप मुझे बताओ, एक भी बंदा नहीं करता इंडिया में, तो एक भी नहीं कर रहा होगा, बट यहाँ पे बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जो पहले जॉब से पहले जिन्होंने लेट से सोचा कि मैं यू नो लारावेल सीख रहा हूँ या मैं कोई रूबी ऑन रेल्स मैंने सीख ली क्योंकि मेरे को पसंद है ये चीजें, तो
वो कंटिन्यू कर रहा है भाई अपने प्रोडक्ट्स, वो साइड में प्रोजेक्ट्स बना रहा है, प्रोडक्ट बनाता रहता है। उसने देखा कि शॉपिंग में प्लगइन बना सकते हैं, यहाँ पे एक नीड लग रही है, वो बना रहा है बैठ के। इंडिया में तो बड़ा इंटरेस्ट बेस्ड बहुत है। तो आपका ऐसे इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं, आप ऐसे फनी रील्स बनाते हो, बहुत सही। तो सबसे ज्यादा आपको मैसेज क्या आया है किसी का, किसी बच्चे का? सबसे ज्यादा तो वो पता है क्या है, ये ही आते हैं मोस्टली तो, कि जॉब रिलेटेड क्वेरीज ही है ना टेक में, तो टेक के जितने भी, हाँ मतलब टेक में तो आप कितना भी कंटेंट बना लो, वो हंसी खेल तो मैं वैसे ही बना लेता हूँ, है ना, हंसी मजाक तो मैं वैसे ही करता रहता हूँ। अब मेरे को लोग शक करने लग गए हैं कि भाई आप सच में काम करते हो, ठीक है। बट अच्छा हाँ आपकी क्या आते हैं, क्या है इंस्टाग्राम वगैरह की एल्गो और क्वेश्चंस वगैरह? मुझे तो मोस्टली यही दिखा है कि मुझे भी कि जॉब नहीं, एक तो दिखता है कि बहुत ज़्यादा जॉब नहीं लग रही है, दूसरा आता है कि कौन सी कंपनीज हायर करते हैं, रिज्यूमे फॉर्मेट क्या होना चाहिए। कुछ लोगों की जेन्युइन क्वेरीज आती है, वो मैं उनको उनको मैसेज रिप्लाई कर देता हूँ कि मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ करा हुआ है, अपना रिज्यूमे भेजते हैं मेरे को कि मैंने ये सब चीज़ें करी हुई है फिर भी जॉब नहीं लग रही है, तो या फिर इतने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ फिर भी मेरे से नहीं हो पा रहे है, कुछ जॉब नहीं निकल पा रही है, तो क्या करना चाहिए? तो उन पे तो मैं कर देता हूँ रिप्लाई। हाँ मतलब जॉब्स का ये, इंडिया में जॉब तो डिक्लाइन हो ही रही है आई थिंक विद, मतलब एआई डराना तो गलत है किसी को एआई से, बट हाँ अनफॉर्चुनेट रियलिटी तो यही है। अभी जैसे एंड्रॉइड कारपाथी है जो हमारे बड़े वो खतरनाक, वो भी कर्सर वगैरह की ट्वीट करी है उन्होंने कल परसों ना, और कर्सर टेक ऑफ कर गया, जो आईडी है आपकी एआई बेस्ड, तो कर्सर है तो बेसिकली कुछ नहीं, मतलब वो क्लॉड से कॉपी पेस्ट करके चाहे आप कोड लिख लो चाहे कर्सर में लिख लो ऑलमोस्ट एक ही बात है, वो एक जगह पे आपको इंटरफेस मिल जाता है सारा, तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है काफी टाइम तक ना, तो आप वहीं कोड कर सकते हो, वहीं टेस्टिंग कर सकते हो सारी अपनी, तो वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब गमरोड के सीईओ एंड्रयूज कारपाथी, मेरे कुछ दोस्त हैं जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, उन सबसे ही मेरे को ये फीडबैक मिल रहा है कि आपको एआई टूल्स को यूज करना ही पड़ेगा, जो ये टूल्स आ गए ना, मतलब इससे 10 गुना स्पीड बढ़ रही है आपकी। आप पुराने टाइम याद करो ना मेरे भाई, आपको फुल स्टैक की कोई एप्लीकेशन बनानी होती थी तो कितनी डिप्लॉयमेंट्स होती थी, है ना, साला पता नहीं क्या क्या होता था, मेरे को तो याद भी नहीं अभी, पीएचपी वगैरह में तो पता नहीं क्या क्या होता था उस टाइम पे, हर चीज के पैसे और इतनी दिक्कतें आती थी दुनिया भर के सर्च कंट्री। करो गूगल पे हाँ इसका स्टैक ओवरफ्लो पे, सिंटैक्स। हाँ मतलब स्टैक ओवरफ्लो देखो ना, गायब हो चुका है लाइफ से यार लोगों की। अच्छा डिस्कॉर्ड में बैठते थे लोग, तो जैसे मेरे को याद है आज से 4-5 साल पहले मेरे को एंगुलर में मैं फंस गया किसी चीज में, बहुत भयंकर चीज में मैं फंस गया था किसी, मतलब कोई पता नहीं क्या यूज कर रहा था उसमें, सब्जेक्ट ऐसे कुछ होता है याद नहीं आ रहा, RxJS या कुछ करके है, तो वो कहीं अवेलेबल नहीं, और आज मैंने उसे ना अभी कुछ दिन पहले मैं फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा था कि यार वो सेम चीज ChatGPT ने 2 मिनट में बना दी, जो मेरे को डिस्कॉर्ड सर्वर में बैठना पड़ा था काफी टाइम, और जो एंगुलर के बिल्कुल पुराने 10-10 साल बैठे हैं जो बंदे, उनसे बात करनी पड़ी थी कि यार ये छोटा सा टेस्ट केस है ये हो नहीं पा रहा सॉल्व ना, तो वो ये कि आपकी आई थिंक हेल्प ही करता है वो, मैंने जो देखा है कि AI अगर वो 2 सेकंड हाँ बता दे तो फिर आप कहाँ ही समझ पा रहे हो, हाँ बट क्या स्पीड डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाती है, बट ऐसा मेरे को भी रिप्लेसमेंट तो मेरे को भी नहीं लगता है ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज जितनी चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं मतलब हो तो जाएगा, मतलब अगर जिस दिन मतलब प्रॉपर एकदम ऐसा रोबोट बन गया जो नॉर एवरीथिंग जो ह्यूमन कर पा रहा है वो कर पा रहा है तब शायद, बट उससे पहले मेरे को लगता कुछ होगा ऐसा। हाँ मतलब आई थिंक बिजनेस नीड्स तो यही है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, अगर किसी भी टूल को देखोगे आपकी, वो टूल इतना कॉम्प्लिकेटेड, अगर इतना आसान टूल है तो वो कभी इतने पैसे नहीं कमा रहा होगा, तो टूल ही इतने कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप देखोगे कि उसमें फ्रंट एंड इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, हजारों तरीके की कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीजें हैं, बट कर्सर अब क्या अप्रोच ले रहा है, और जो एक और आया है जूडियो, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, तो ये क्या अप्रोच लेते हैं, ये अप्रोच लेते हैं कि अगर आप फर्स्ट लाइन कर्सर पे लिखोगे तो ये सब कुछ याद रखेंगे, तो इनका एम ये है कि जब आप पूरा का पूरा अगर इसमें बना रहे हो ना स्क्रैच से, तो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा जब आप इसे मैसेज कर सकते हो, चैट में लिख सकते हो कि यार ये ऑथेंटिकेशन में ना ऐसा कर, गिटहब का प्रोवाइडर भी ऐड कर दे, है ना, या फिर आप जो ईमेल पासवर्ड का है वहां पे फॉरगॉट पासवर्ड भूल गए हो वो पूरा इंप्लीमेंट करके डाल दो, तो आई थिंक कि स्पीड ही इंक्रीज होने वाली है जो मैं समझ रहा हूँ, है ना, मतलब कुछ कह सकते हो, सही बात तो ये है ना, डर तो है थोड़ा थोड़ा, बट ये है कि और जितना मैं देख रहा हूँ कि कुछ फील्ड्स तो डेफिनेटली यार, अब आप ही देखो ना कॉपी राइटिंग और इन सारी चीजों को 2 साल पहले सबने यही बोला था बंद हो जाएंगी, है ना,
कि खत्म हो चुका है, राइटिंग खत्म हो गई, बट अभी भी राइटिंग राइटर्स बहुत अवेलेबल है, वो एआई टूल्स को यूज कर लेते हैं जो मैंने। राइटिंग तो मतलब मैंने खुद करने की कोशिश करी है, लाइक इवन लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट्स लिखवा लो, ये लिखवा लो, बट स्क्रिप्ट्स मतलब जो आती हैं वो बिल्कुल मतलब बकवास होती हैं, उनको यूज़ करें कुछ बना भी दो कोई तो कुछ ऐसा बनेगा नहीं कि कोई करंट देखेगा। टाइमिंग उतना नहीं है, बट जो अभी एक दो चीजें मैंने देखी ना लेटेस्ट, जो कि फाइन ट्यूनिंग पे बेस्ड है, कि मतलब वो आप अगर आपकी पर्सनल कोई नीड है ना, तो वो आपका सारा इकट्ठा कर लेंगे डेटा कंप्यूटर से या कहीं से ना, स्क्रॉल करेंगे पूरा दिन क्रॉल करके ना, और आपका सारा डेटा इकट्ठा कर लेंगे और उसके बेसिस पे करेंगे। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी यूज कर रहे हैं इस चीज को ना, आज जैसे वरुण माया की सारी रील्स अब एआई जनरेटेड है, अगर आप देखोगे तो ए टू जेड सारा एआई जनरेटेड है, 100x इंजीनियर्स का पेज है, उनपे सारी वीडियोस एआई जनरेटेड है। तो आई थिंक क्रिएट कंटेंट क्रिएशन के स्पेस में तो बहुत टेक ओवर करने वाला है, मतलब बेसिकली जो एडिटर्स पहले 10 एडिटर लग रहे थे, अब वहां पे 6 एडिटर्स से भी काम चल जाएगा जो एआई टूल्स को फटाफट फटाफट यूज कर और बेटर एडिटिंग कर सकते हैं, जो बेसिकली एनहेंसमेंट ही है। मतलब यार सारे काम खत्म हो गए तो क्या घर पे थोड़ी बैठेंगे, मतलब वो ही समझ में नहीं आता चिप्स भेजेंगे सब लोग फिर और क्या। क्या करें, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता करेंगे क्या लोग। गाड़ियां वेमो चला रही है, ठीक है, मैंने तो पिज्जा वेंडिंग मशीन देखी है, मैंने वेगस गया था, मैंने पिज्जा भी वेंडिंग मशीन से आ रहा है, तो खाना तो वेंडिंग मशीन, कैशियर देखे है, मैंने मोमोज बनाने वाला रोबोट देखा है, ऑमलेट बनाने वाला रोबोट है यहाँ पे जो ऑमलेट बनाता है सुबह, आप उसको टॉपिंग्स बता दो, ठीक है, तो कहाँ जाए कैशी, वो सारे यूनिक्लो ने वो खत्म कर दिए हैं, यूनिक्लो पे अब कोई बंदा काम नहीं करता है किसी भी स्टोर में, ठीक है, आप कपड़े लेके जाओ अपना एनएफसी टैग से वो टैग कर लेता है, आपको पैसे देने हैं, तो कहाँ जाए ये ओके बताओ करें क्या अगर ट्विटर पे आपने देखा हो तो एक बहुत चीज फेमस हो रही थी अभी कुछ टाइम पहले, अभी भी आई थिंक चल रहा है, उसको बोलते हैं EACC, ई एक्सेलरेशन। उसका मतलब ये है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, इनफाइनाइट अबंडेंस, सबके पास सब कुछ है, सबके पास पैसे हैं, सब आराम से जी रहे अपनी लाइफ, विच इज लोग कहते हैं इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ AI, पर पता नहीं ऐसा पॉसिबल है या नहीं। पता नहीं भाई हो क्या रहा है, समझ से बाहर हो रही है। अच्छा और प्रॉब्लम अब ये भी है ना कि जो अगला, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है कि जो अगली वेव बच्चों की आ रही है, उनका अटेंशन स्पैन जीरो हो चुका है, वो पूरा दिन रील चलाते हैं है ना, तो वो उन्हें तो वैसे ही काम नहीं मिलना, वो वैसे उनका तो वैसे ही बुरा हाल है, वो तो किसी के लिए काम भी करने को राजी नहीं है, तो जॉब्स भी कम हो रही हैं, लोगों का वो जो हार्डकोर टैलेंट होता था वो भी कम होता जा रहा है ना, हार्डवर्किंग स्किल्स भी कम हो रही है, बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, लोग कम बैठते हैं, सिटिंग कम है काफी, क्यूरियोसिटी कम होती जा रही है, रीलों पर टाइम लगा रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी हैं। बट एनीवेज तो अभी आप हैदराबाद ऑफिस में हो ना भाई, हैदराबाद ऑफिस में, ओके, तो और कोई लोगों के लिए अगर सिस्टम डिजाइन का मैं पूछूं कि सिस्टम डिजाइन अगर किसी को करना है तो कैसे करना है, और सिस्टम डिजाइन का देखो मैं आपको पर्सनली प्रॉब्लम बताता हूँ कि बड़ी बोरिंग है यार, इंटरव्यू प्रेप की अगर मैं बात करूँ ना, बोरिंग इतनी है। यार पता नहीं, मन ही नहीं करता जॉब के बाद, तो मन ही नहीं करता है, तो उसको कैसे हाँ करेंगे हाँ तो मैं फोकस मोस्टली करता नहीं हूँ इंटरव्यू प्रेप का बताने में, मैं मोस्टली उस पर ही फोकस करता हूँ, बट आई थिंक मोस्टली अगर किसी को बेस्ट सीखना है तो कुछ देख के या पढ़ के, तो वैसे मतलब मैंने आज तक तो खुद कुछ नहीं सीखा, तो कोई कैसे ही सीख लेगा, तो मतलब खुद बना के कोई प्रोडक्ट आइडिया सोचा, उसको बनाया, पूरा एंड टू एंड बनाया, या फिर उसके पीछे कोई मॉनेटरी गोल जोड़ दो कि ये बेचना है किसी को या फिर ये प्रोडक्ट किसी को देना है, तो आई थिंक बेटर कोई सीख सकता है। अब आई थिंक बहुत सारे टूल्स आ भी गए हैं कि मतलब बिल्ड योर ओन रेडिस बनाओ, तुम्हें अगर अपनी रेडिस बनानी है तो कैसे बनाओगे, तो वो इंटरेस्ट से ही मतलब किसी को टाइम अगर स्पेंड करना है तो ही हो सकता है। जैसे अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाने का सोचा या कोई आइडिया आया कि मैं बेचूंगा लोगों को, ये प्रोडक्ट बना के किसी को बेचना है, उसके बाद बनाने की कोशिश करी तो पता चलता है कि इसमें क्या लगेगा, फिर जब लोग यूज करेंगे तो पता चलेगा कि इशू क्या आते हैं, तो आई थिंक बेस्ट तरीका तो वही है। मतलब मेरी भी जो काफी ग्रोथ, जैसे इससे पहले मैं अमेजोन में था, तो अमेजोन में भी ऐसे काफी हाई स्केल सिस्टम्स बनाने को आते थे, तो उसमें ही आइडिया लग जाता था कि जैसे डिजाइन करना है ये सिस्टम तो कैसे होगा, इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी, क्या इश्यूज आ सकते हैं, तो मोस्टली हैंड्स ऑन करके ही आता है। आपने कभी आज तक मतलब जैसे 3 4 साल हो गए, उससे ज्यादा ही हो गए कॉलेज में लाने, तो 8 7 8 साल हो गए हैं, तो 7 8 साल में आपको क्या लगता है कि आपने मतलब सबसे मुश्किल टूल या फिर कोई सबसे मुश्किल प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूजर्स को टारगेट कर रहा, आपने क्या बनाया होगा? मैंने ऐसा कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट में तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं बनाया है, नहीं और पर्सनली हाँ मतलब कंपनी में इवन एट तो जॉब।
जॉब में तो यार ऐसे ही है कि जॉब में हम मैं एक स्टार्टअप में काम करता था इससे पहले ना ऑन कैंपस ही। वो क्या है कि नेविगेशन मैप्स बना रहे थे, तो वो बेसिकली क्या है कि वहां पे मतलब बड़ी लर्निंग तो वहां पे ये थी कि ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। मैप्स बना रहे बैठ के, है ना, फ्रॉम स्क्रैच, वो भी रिएक्ट नेटिव में, और वो भी आज से 5-6 साल पहले, जब वो रिएक्ट नेटिव कोई, है ना, साला वो चलती भी नहीं थी। तो वो थी उस टाइम पे मैंने वो सीख लिया था। और वो सेम पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर आपको ऐसा मौका नहीं मिल रहा है ना सीखने का, इतनी कोई बड़ी चीज, तो उसमें सीखा था बहुत कुछ कि वो स्क्रैच से मैप्स कैसे बनते हैं, वो हैंडल कैसे करते हैं लोड, उसमें सब कुछ रेंडर नहीं करना है ना, थोड़ा 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 रेंडर होता है। काफी सारी चीजें थी उस टाइम, मेरे को भी याद नहीं आ रही, बट हाँ उस टाइम हमने वही, जितना मुझे याद है, ये आई थिंक कैशिंग वैशिंग का कुछ लगाया हुआ था, एंड डेटाबेस की साइड मैंने उतना नहीं देखा था, बट हाँ फ्रंट एंड वगैरह में हम कुछ एल्गोरिदम्स भी बना रहे थे, जिसमें एक हमने खुद ही एल्गोरिदम, मतलब अगेन ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, हमने एल्गोरिदम बना दी थी पूरी जो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढती है, विद एक्सेसिबिलिटी का स्टार्टअप था वो बेसिकली ना, कि वो ये चेक करता था कि ए टू बी में आपके एक्सेसिबल पाथ कौन से हैं। तो गूगल ने बाद में वो इम्प्लीमेंट ही कर दिया, वो एक चेक बॉक्स है बेसिकली कि आप उसमें टिक कर सकते हो एंड वो एक्सेसिबिलिटी के राउट्स आपको बता देगा, बट उस टाइम पे नहीं होता था। तो वो ऐसा लगता था कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, और फंडिंग मिल गई थी उस आइडिया को, ऐसे आइडियाज को थोड़ी फंडिंग मिल जाती है। तो हमने फिर एल्गोरिथम बनाई थी उसकी एक शॉर्टेस्ट पाथ की विद एक्सेसिबिलिटी, तो हम उसमें फाइंड करते थे, सारे ग्राफ का एक स्ट्रक्चर बना रखा था हमने, उसमें हम फाइंड करते थे कि कौन से स्पॉट्स अवेलेबल हैं, और उसमें फिर ए स्टार सर्च टाइप का कुछ लगा रखा था जिसमें फाइंड होता था ह्यूरिस्टिक के हिसाब से कि उनकी क्या प्रेफरेंस है ना, बेसिकली कि उनकी प्रेफरेंस ये है कि मेरे को जैसे लकड़ी का लॉग पड़ा है तो वो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं, यू नो, लेट से मैं डेफ हूँ बट मुझे दिखता है, तो उनकी प्रेफरेंस ज्यादा गए, बट अगर कोई ब्लाइंड आदमी चल रहा है तो उसके लिए वुडन लॉग काफी ज्यादा मैटर करती है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज हैंडल करी है मैंने, बट अदरवाइज अगेन कि ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। गूगल में भी अगर आप देखोगे तो मेजरली सब कुछ इम्प्लीमेंटेड होता है, तो ये बड़ी कंपनी में ये बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर आप आ जाते हो और टीम स्पेसिफिक काम अगर आपका ऐसा नहीं है, अब स्केलिंग वेलिंग तो पानी की होगी यार, अभी देखो ना ट्रिलियंस ऑफ लोगों तक तो स्केल कर चुके हैं अब, और हम मतलब आर्यन सिंह के भरोसे ही बैठा होता तो फिर तो काम हो जाता। बट हाँ उस अगेन मैं तभी आपसे वो क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कभी मौका मेरे को मिला ही नहीं, इतना कुछ एडवांस या इतना कुछ बहुत मिलियंस ऑफ यूजर तक के हैवी लोड बनाने का, है ना। बट हाँ नॉर्मल जो नॉर्मल सा लोड बैलेंसर और रेडिस कैशिंग अपस्टैश वगैरह यूज कर रहे हैं वाले लोग, है ना, वो सब तो सरफेस लेवल पे तो हमने छोटा मोटा इम्प्लीमेंट करा हुआ था, बट हाँ ऐसा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो आप बताओ अपना, आपसे आपका वाले एग्जाम्पल से ज्यादा सीखने को मिलेगा। अमेजोन में मेरा जो था उसके अंदर हमारा कुछ ऐसा सिस्टम था कि ऐसे बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स हमारे पास आ रही हैं, हमको उनको प्रोसेस करना है और उन ट्रांजेक्शन से हमको कुछ टैक्स फॉर्म्स क्रिएट करने हैं। तो इसका पूरा सिस्टम हमको बनाना था, उसके अंदर भी काफ़ी रूल्स वगैरह थे। तो उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज फिर आ जाती हैं कि कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, क्या रूल्स लगाने हैं, रूल्स लगाने हैं तो कैसे लगेंगे। तो उसमें काफ़ी लर्निंग हुई थी, एटलीस्ट AWS टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं उसमें, मतलब ऑलमोस्ट सारी AWS टेक्नोलॉजी, ऑल सारी तो नहीं तो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो काफ़ी पॉपुलर है, फॉर एग्जांपल S3 हो गया, रेड शिफ्ट हो गया, DynamoDB हो गया, ऑलमोस्ट सभी यूज़ कर लिया था। तो मतलब एटलीस्ट ये आ गया था कि अगर क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ बनाना है तो ऐसे बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल प्रोजेक्ट में मैंने एक बार वो बनाने की कोशिश करी, ईमेल सेंडिंग सर्विस अगर हमको बनानी है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। सपोज आपको कोई कैंपेन मैनेजमेंट भी करना है कि किसी ने, मैं जैसे क्रिएटर हूँ, मुझे भेजना है अपने जितने फॉलोअर्स हैं 1 लाख लोगों को ईमेल भेजना है, तो फेल नहीं होना चाहिए एक भी बार। तो उसमें बहुत चीज़ें आ जाती है कि बाउंस नहीं होना चाहिए ईमेल, अपने डोमेन की हेल्थ इम्प्रूव करो, और एक भी एरर हैंडलिंग करो, कैसे मैनेज करो कि एक ईमेल 2 बार ना चला जाए या एक ही बार जाए। तो ये सब चीज़ों में फिर सोचना पड़ता है तो थोड़ा उसमें आ जाता है। बट मोस्टली जितना इंटरव्यू लेवल है, आई थिंक उसके लिए तो इतनी सर्फेस लेवल नॉलेज मोस्टली मिल जाती है। मैं टेक ब्लॉग काफ़ी रीड करता हूँ, नेटफ्लिक्स वगैरह के टेक ब्लॉग्स काफ़ी बढ़िया होते हैं, तो उतनी नॉलेज तो उनसे मिल ही जाती है। हाँ आई थिंक वो इंटरव्यू प्रेप ही है, आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक जॉब के साथ मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल है इन जनरल, क्योंकि जॉब में भी आप कोडिंग कर रहे हो, है ना, बाहर भी फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रखे आदमी, तो वो बड़ा मुश्किल है इन जनरल सभी के लिए। आई थिंक वो किसी को बताना भी गलत ही है मेरे हिसाब से, कि
भाई वो वैसे ही परेशान है ना, जॉब में भी पैसा नहीं है, जॉब जाने का भी खतरा है, और फिर घर आके भी कोडिंग चल रही है। बट हाँ, जो ईमेल वाली जो चीजें ना, ऐसे टूल जरूर बनाते रहना चाहिए, जो मैंने देखा है कि मतलब लर्निंग लर्निंग से ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि हर आदमी को इस टाइम पे थोड़ा सा इंडी हैकिंग वाली जो जर्नी है ना, उसको स्टार्ट करना चाहिए। छोटे छोटे टूल्स बनाओ अपने ना, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना वो ये कि उससे आप सीखते भी बहुत ज्यादा हो, और आपको स्केल करने की ना नीड ही तभी है जब आपको यूजर आएंगे। मतलब ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्ट मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल आजकल चल रहा है काफी थॉट ना, कि आप स्क्रैच ओवर इंजीनियरिंग की आदत पड़ चुकी है हमें बहुत ज्यादा, कि हम स्क्रैच से सब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि भाई लोग तो 15 यूज कर रहे हैं, है ना, तो हमने बनाया कितना बड़ा। तो वो है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 साल में तो ये स्केलेबल चीजें ऑलमोस्ट सारी मतलब फिक्स्ड हो ही जाएंगी, जितना मुझे समझ में आ रहा है। अब जैसे वर्चुअल देखो आप, इतना $1 बिलियन कंपनी है ना नेक्स्ट ईयर की, अगले 3-4 साल में मेरे हिसाब से उनके पास पूरी फुल स्टैक की कैपेबिलिटीज होंगी। डेटाबेस भी उनके पास केवी है, भी उनके पास बकेट भी है, उनके पास सब में अमेजोन ही बन जाएगा वो एक तरीके से फॉर डेवलपर्स, कि आप इससे मिलियन यूजर तक आराम से स्केल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा लोड हम हैंडल कर लेंगे किसी भी हालत में, ऐप राउटर नेक्सियस का कर देगा सब कुछ सर्वर एक्शन के साथ। और सेम चीज आप फायरबेस में देखो भाई, फायरबेस कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं, वन एग्जाम्पल इज फायरशिप। फायरशिप अभी फायरबेस पे होस्टेड है, और बहुत सारे और हैं जिसमें 100, 200, 300,000 लोगों में मैंने जितनी देखी थी लास्ट, कोई दिक्कत नहीं आ रही है लोगों को। मतलब लोग दबा फायरबेस यूज कर रहे हैं और उसका डेटाबेस वो सब यूज करते हैं, रियल टाइम जो भी बेसिक है। तो आई थिंक डेवलपर्स को थोड़ा सा मेरे हिसाब से टूल्स वगैरह जो है ना, छोटे छोटे टूल प्रोडक्ट एंड वगैरह से वो बनाने चाहिए। सैस बनाओ, सैस बना लो, सैस नहीं भी बना रहे तो वन टाइम पेमेंट बना लो आप, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की। बट कई सारे मॉडल्स आ चुके हैं आजकल ना, कि जैसे वन टाइम, बिल्कुल बिल्कुल, सब्सक्रिप्शन बेस्ड थोड़ा मुश्किल है आज के डेट में, क्योंकि अगले महीने तक क्या है कि कुछ ना कुछ सस्ता या कुछ इजियर आ जाता है, बहुत अभी सैचुरेट बहुत एक्सट्रीमली हाई हो गई है मार्केट ना। बट ये है कि अब जैसे आप कैलेंडली का एग्जांपल देखो, कैलेंडली ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग उठाई, उसके बाद कैल डॉट कॉम आ गया ओपन सोर्स, और अब टाइनी, फिर एक टाइनी कैल करके आ गया जो बहुत ही सस्ता वगैरह है, और अब एक टाइडी कैल करके है, एप्सुमो की डील है, वो कहता है $29 फॉर लाइफ टाइम एक्सेस, आपको जिंदगी में कभी पैसे नहीं देने, सिर्फ $29 आप वन टाइम हो, और वो $1 मिलियन प्रोडक्ट है आप देखो ना। तो इतनी सैचुरेटेड मार्केट में भी घुस के उसने बोला कि $29 आप दे दो, ऐप सुमो के पे लिस्टेड है वो। और तो ये है कि बहुत सारा गेम सैचुरेशन हो गई है सैस टूल्स वगैरह की मार्केट में ना, तो जो इसमें स्मार्ट प्लेयर है वो क्या करते हैं, वो हर हफ्ते लॉन्च करते हैं नया टूल। तो उन्होंने टीम बना रखी है, हमारा भी यही प्लान है, वो छोटी सी टीम बना लेते हैं, और वो क्या करते हैं कि सिर्फ फुल स्टैक अपना रखते हैं, कि मैं स्ट्राइप की पेमेंट्स का उन्होंने वेबहुक वगैरह सेट कर रखा है, और बस वो एक फीचर लॉन्च करके टेस्ट करते हैं कि इसमें हमारे 10 कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहे तो वो अपनी ईगो को साइड में रखते हैं और उस टूल को कबाड़े में फेंकते हैं और नए टूल को लॉन्च कर देते हैं अगले हफ्ते। वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ज्यादा हेल्पफुल है, और उसमें ना मजा भी ज्यादा आता है बनाने का, क्योंकि पैसा भी है, कस्टमर्स भी इन्वॉल्व है ना, पूरी एक जो बिजनेस हम जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ही मतलब एक आप एक जर्नी फॉलो करते हो, और फिर स्केल भी कर लो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे levels.fi जाए कि आप स्टोरी सुनो, वो गूगल शीट्स पे होस्टेड था भाई कितने सालों तक, तो कहाँ जरूरत है। मतलब ये भी कॉन्ट्रोडिक्टरी थॉट आते हैं ना फिर दिमाग में, कि जरूरत ही नहीं है चीजों की अगर आप देखोगे एक टाइम के बाद। जैसे फायरबेस हो गया है ना, आप अभी टूल्स इतने अच्छे अच्छे टूल आ गए, जैसे आप जैनो करके एक बैकएंड का टूल है जो कि नो कोड बैकएंड है, जैनो करके आप सर्च करना xano.com, और वो कहते हैं कि नो कोड बैकएंड है, एपीआई हम आपको दे देंगे बैकएंड, और हमारा स्केलेबल है 1 मिलियन यूजर्स तक, ऐसा उनका कहना है। तो आई थिंक आने वाले टाइम में यही और बढ़ जाएगा है ना, और मतलब इश्यू तो तब आते हैं जब आपको बिल्कुल ही कस्टम सोल्यूशन चाहिए हो, जो मैंने देखा मतलब टूल्स की स्पेस में, कि आपको कुछ बहुत ही कस्टम चाहिए, कुछ चाहिए ऐसा। बट हाँ, आई थिंक हर डेवलपर को ना कहीं ये जो छोटे छोटे टूल्स हैं ये बना के ट्राई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत है यार, मैंने देखा भी जैसे एक सचिन करके लड़का इंडिया में से, उन्होंने पैरिटी डील्स बनाई, काफी सारे ऐसे टूल्स बनाए हैं, लाइक ही इज डेफिनेटली मेकिंग ओवर $50,000 per month के आसपास जो मैंने सुना। हाँ, तो वो ये मतलब इन सबकी जर्नीज ऐसी हैं। अभी एक मेरे साथ बहुत अच्छा
भाई जुड़े हुए हैं मोहित करके, वो भी सारे टूल्स वगैरह बनाती है। इनकी जर्नी ऐसी है कि इंडिया में कोई बना रही ना और रेंडमली किसी ने बता दिया कि ये टूल्स बना सकते हो आप, तो ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं सारे, टीयर 3 टीयर 4 ये वो, इन्हें कुछ नहीं आता था, बट इन्होंने फुल स्टैक सीख ली कहीं से अपने आप, और इनको क्योंकि जॉब नहीं मिल रही थी तो इन्हें जबरदस्ती टूल बनाने पड़े प्रोजेक्ट के नाम पे, यार हमें जॉब के लिए ये प्रोजेक्ट बना लेते हैं ताकि हमें जॉब मिल जाए, है ना, कोई तो ले हमें क्योंकि हमारे पास डिग्री तो है नहीं। बट हुआ क्या, वो टूल यूज करने लग गए लोग, जब इन्होंने पोस्ट करा उसे डिस्कॉर्ड में प्रोडक्ट हंट पे वैसे ही पोस्ट कर दिया है ना, तो देखा इन्होंने कि टूल यूज करने लग गए, तो बहुत सारे इंडिया के ऐसे इंडिया हैकर जब सामने आने, तो भानु है फेदर डॉट सो जिन्होंने बनाया, अभी उन्होंने सेल करा था 250 के या कितने का सेल करा था अभी, और वो भी साइट GPT बना रहे हैं, तो बहुत है ऐसे, ऐसी स्टोरीज बहुत है, तो इनकी सबकी स्टोरीज ना वो ही आती है क्योंकि इन्हें नौकरी मिल ही नहीं सकती थी बिकॉज ऑफ डिग्री या इंटरव्यू इनकी उतनी अच्छी नहीं है, तो इन्होंने क्या किया खुद ही टूल बना दिए, है ना, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये जो पूरा इंडिया हैकर वाला है। हाँ, पर इन चीज़ों के बारे में मतलब आई थिंक 99% ऑफ लोगों में कोई नहीं सोच रहा। मतलब बिल्कुल बहुत नहीं, से ऐसे लोग हैं जो आई थिंक सपोज TCS या इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं या और किसी सर्विस बेस में जॉब कर रहे हैं, उनको मतलब उनके लिए ये बिल्कुल ऐसी बात है कि ऐसा होता भी है कुछ। मतलब उनको ये भी नहीं पता कि कितनी सैलरीज ऑफर हो रही है प्रोडक्ट बेस में। मतलब करेक्ट, आई थिंक पूरी दुनिया ही उनकी डिफरेंट, उनको लग रहा है कि ऐसा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता या होता ही नहीं है। उसका रीजन है मैं बताता हूँ आपको, उसका रीजन पता है क्या, कि जो जो ग्राउंड रियलिटी कॉलेजेस की डिफरेंस है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, वो हमें नहीं पता है। तो अगर आप सड़कों पे घूम के लेट से आप दिल्ली चले गए, है ना, तो दिल्ली में क्या है कि हमारा जो मैक्सिमम लोगों का एक्सपोजर है वो ही कहते हैं कि चलो DTU चले गए, DU चले गए, है ना, बट आप अब यहाँ क्या करो, आप ना यहाँ से रास्ता लेफ्ट ले लो दिल्ली से और चले जाओ फरीदाबाद, और फरीदाबाद में ना 15-16 यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी जिसमें आप वहां जाके लोगों से बातें करोगे ना भाई, वहां पे तो चौथे साल के बच्चे को जावा नहीं आती, आप ये देखो, तो वो डिफरेंस इतना बड़ा है कि एवरेज आदमी जो इंस्टाग्राम चला रहा है ना वो ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत आगे चला गया है वो, जो ये कह रहा है ना कि भैया मंथ चेक करूं या नेक्स्ट करूं, वो ऑलरेडी बहुत आगे है। 40 से 50 लाख इंडिया में इस टाइम पे जो बंदे बैठे हैं जो इंस्टीट्यूट्स में हैं, 10-10 लाख के अगर आप ×4 कर लो और कुछ पुराने भी लगा लो, तो वो ये बैठे हैं जिनको बहुत बेसिक स्किल्स आती हैं बस, जैसे उन्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, दैट्स इट, आप ये लगा लो, तो अभी उस लेवल पे है, तो वो धीरे 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 ग्रो होगा, और वो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोडिंग भाई ऐसी चीज है ना जिसमें हैंड्स ऑन बड़ा चाहिए, तो ये अभी फाइनेंस की तरह नहीं है कि आप क्या है कि आपको कोई जबरदस्ती बोले भाई रिपोर्ट बना के दे, कल तक रिपोर्ट बनाएगा तो पैसे मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे, अब यहाँ पे आप किसी को बोल ही नहीं सकते कि भाई ऐसा है रेडिस और कैशिंग इसमें इंप्लीमेंट करके दे कल तक बता, वो कहेगा मुझे आती ही नहीं, है ना, और मुझे सीखनी पड़ेगी बैठ के, वो मैं सीखना सीखूं कैसे जब क्यूरियोसिटी नहीं है, तो जो इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड है ना जो इंस्टाग्राम और DTU से ऊपर है और बिट्स पिलानी के बच्चे बोलते हैं ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी जो है वो बहुत है, बहुत बुरी है। तो जैसे अंकित करके एक लड़का है, अभी उसकी इतना हम्बल बैकग्राउंड है, कंस्ट्रक्शन और रिक्शा वगैरह का बैकग्राउंड है, और अभी उसने रिमोट कंपनी में काम कर रहा है 2nd-3rd ईयर में, तो उससे भी मैं बात कर रहा था, वो मेरे को बता रहा था उसके कॉलेज में बच्चे यार एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं सीखना चाहते, वो ये कहते हैं अभी सीखनी क्यों है, अभी तो दूसरा ईयर चल रहा है, या अभी क्यों सीख रहा है भाई, अभी प्लेसमेंट थोड़ी चल रही है, कैसी बातें कर रहा है भाई, अभी चल मेरे भाई साथ चल घूमने चलते हैं, चौथे साल में करेंगे, मई में प्लेसमेंट है, फरवरी में पढ़ लेंगे जो पढ़ना है ना, कॉपी पेन पे लिंक लिस्ट बना लेंगे या जो भी है दो चार चीजें पढ़ लेंगे, इतनी कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत इश्यू है, बहुत अभी क्या है कि इंडिया इतना बड़ा है कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या, क्योंकि इंडिया में 22% तो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, 60-70% इंडिया का गरीब उसमें ही आते कैटेगरी में, 1% लोग कमा रहे हैं ₹1 लाख, और हमें तो ₹1 लाख भी कम लगता है, जो आप अगर किससे बात कर लो बैंगलोर हैदराबाद में वो बोलेगा ₹1 लाख तो कुछ भी नहीं है, है ना, बट ये दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा है कि ये टूल वूल की जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बहुत 1% है, इवन यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस डाली है ऐसे कि इंडी हैकर्स है, मैंने पॉडकास्ट भी इंडी हैकर्स के साथ शूट करे हैं, है ना, 2-3 मेरे दोस्त बहुत क्लोज हैं जो कि $5-5 मिलियन की कंपनियां चला रहे हैं, जैक एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, हाँ जैक है, बहुत सारे लोग हैं USA में जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, इवन अभी जॉश करके मेरा पुराना दोस्त होता था, एक कॉलेज में एंटरप्रेन्योर था मेरा बड़ा अच्छा दोस्त निक, ये 3-4 अंग्रेज दोस्त हैं मेरे, तो ये इतनी एक बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, इनके पास इतना एक्सपोजर है, ये छोटी छोटी जैसे फोन का कवर बेच रहे हैं, तो स्टार्ट इन्होंने ड्रॉप शिपिंग से करा था, फिर ये चाइना ई कॉमर्स में घुस गए, है ना, बट एक एवरेज इंडियन आदमी को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको इसमें व्यूज नहीं मिलेंगे कभी 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 भी, है ना, कि
एजेंसी कैसे खोलनी है, लेट से जैसे जैक की एजेंसी है जूस लैब्स करके यूएस के अंदर, उसके पास हॉलीवुड तक के क्लाइंट्स हैं, बट इंडिया में किसी को इंटरेस्ट नहीं है इसमें सीखने का कि आउटरीच कैसे होती है, आउटबाउंड सेल कैसे होती है, कोल्ड कॉलिंग कैसे होती है, B2B सेल कैसे होती है ना, कितने टूल्स आ गए हैं, इंस्टेंटली टूल है, लेमलिस्ट है, सेमरश है, AHRF है, SEO क्या होता है ना, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, अब इसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। अब डिजिटल मार्केटिंग भी आदमी पता है क्यों सीखता है, ताकि वो कोर्स का सर्टिफिकेट ले ले और किसी बड़ी कंपनी में जाके नौकरी कर ले जहाँ ऑलरेडी एड चल रहे हैं। तो बस ये देखना है नया क्रिएटिव आ गया, नया क्रिएटिव में ऐड डाल दिया, वही चल गया काम। बट जो ग्राउंड लेवल पे अगर आप डिजिटल मार्केटर मार्केटर बैठ के ढूंढोगे जो एक स्टार्टअप को स्केल करने में हेल्प करे, तो है ही नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां मिस्टेक कर रही हैं भाई, आप ही देखो, तो बुरा हाल है बेसिकली। जो स्किल की अगर मैं बात करूंगा, काफी मतलब ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, अब ये है कि ये वाली वीडियो भी वहां तक पहुंचेगी थोड़ी, आप समझ रहे हो कि नहीं उनका ना कभी पहुंचेगा। पहुंच सकती, ये लोग वही हाँ देखेंगे या इसमें से क्लिप्स वही लोग देखेंगे जो ऑलरेडी एक लेवल के ऊपर जा चुके हैं, उनको जरूरत ही नहीं है सब सुनने। वो लोग क्या है कि वो लोग देख रहे हैं भाई, आज वो ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ठेका खुला है ना, या वो ये ढूंढ रहे हैं कि इंतजाम हो जाए, तो वो YouTube पे हाँ ये थोड़ी सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू लर्न है ना, ये मंच आ गए, ये नहीं, वो सर्च ही नहीं कर रहे ना, वो कभी सर्च करेंगे ना, वो कभी देखेंगे और ना वो कभी सीखेंगे, तो ना तो उन लोगों की कैटेगरी फॉल करती है कोर्स में, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही कोर्स में है, क्योंकि कोर्स से मिलता है सर्टिफिकेट, समझ लो आप। तो वो क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या सर्च कर रहे हैं पूरा दिन, कि जावा कोर्स, दैट्स इट। आप बताओ ना, जावा कोर्स की जरूरत है ही नहीं, जावास्क्रिप्ट में कौन से कोर्स की जरूरत है, ChatGPT आपको 2 दिन में सिखा देता है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोर्स पूरे इंडिया में कम से कम इट्स अ 25 to 30 करोड़ मार्केट इस टाइम पे, अगर आप कैलकुलेट करोगे बड़े बड़े टेक कितना बेच रहे हैं, तो वो बेच वो अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं भाई, आप देखो ना, वो बेच रहे हैं क्योंकि खरीद रहे हैं लोग, आप यही डिमांड करो, है। हाँ डिमांड इतनी हाई है ना, मतलब आप जावास्क्रिप्ट जो खरीद रहा है, आप उसे अगर बैठ के समझाओगे ना कि नहीं भाई तू मत खरीद, तू ChatGPT सीख ले, तो वो आपके आपके मुंह पे लात मारेगा और वो ही बोलेगा साले तू कौन है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए भाई, मुझे सर्टिफिकेट से जॉब लगेगी, तेरे को क्या पता। तो ये इश्यू ना बहुत ही नीचे ग्रामीण लेवल पे, तो जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब नई नई खुल रही हैं, और इंडिया में क्या है कि स्केल का पता ही नहीं है भाई लोगों को, इंडिया में लाखों यूनिवर्सिटीज हैं जो छोटे छोटे लेवल पे, जैसे 2 बिल्डिंग खड़ी करी हुई है ना, उसमें कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, 1000 बच्चा बैठा है, वो 1000 बच्चे में से एक बच्चे की कभी प्लेसमेंट नहीं हुई है, बट वो चल रहा है सही काम, बात है। दे रखे हैं 30-30 लाख, 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, काम चला रहे हैं। तो जो ग्रामीण लेवल पे दिक्कतें हैं ना, वो बहुत एक्सट्रीमली हाई है, तो वो यूट्यूब वो सर्च ही नहीं कर रहे भाई, वो उनपे कोई मेंटोर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या है कि मेरे को मीम्स के थ्रू मिल जाते हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट क्या है कि वो मीम वाला है ना, तो मेरा वो ग्रामीण लेवल पे चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो वहां अच्छा सीप इन कर चुका है, क्योंकि है ना, अब गंदी गंदी मीम्स है मेरी, है ना, कुछ आप मीम देखो तो वो बिल्कुल शोभा नहीं देती है ना, कि एक ठीक ठाक इंजीनियर को, मेरे को क्या है कि बिल्कुल क्रक्स के क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल लो लेवल है, तो वो ऐसे ओके हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते वो कैसे हैं, और वो बड़े जेन्युइन है, अगर आप उनको अपने पैरों में डाल के देखोगे ना, तो वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी टेक का नाम नहीं सुना था, उन्होंने घरों में किसी ने बड़ी नौकरियां नहीं करी है ना, और वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, हम्बल बैकग्राउंड से, उनको कोई मेंटोर करने वाला बंदा नहीं है मार्केट में। तो अब जैसे हम बोलते हैं DSA, आप बिलीव नहीं करोगे भाई, 90% कोडर्स को DSA भी नहीं पता क्या होती है ना, तो यस, इस चीज को भी रिफ्रेश करना जरूरी है, क्योंकि इस चीज को भी अगर आप ऐसे बोलोगे ना कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं उसकी तैयारी करवाऊंगा मैं आपको, है ना, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो जो नीचे वाले लोग हैं उनके क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि मतलब जावास्क्रिप्ट कर लूंगा क्या, मतलब जावास्क्रिप्ट करने से मतलब कितने की जॉब लग सकती है मेरी ना, और बड़े मतलब ऐसे बहुत हम्बल तरीके से पूछते हैं वो, मतलब बहुत शराफत कि भैया मैंने जावा कर लिया है यार, कहीं नौकरी लगवा दो मेरी, मतलब मेरे को जावा आती है, कुछ हो सकता है इससे क्या, तो उन्हें आइडिया भी नहीं है कि है ना इससे आगे क्या करना है, स्प्रिंग बूट या जो भी चीजें हैं, कुछ अपनी स्किल्स शोकेस करनी है, क्योंकि आप देखो स्किल्स की बातें तो यार अभी उठ रही है ना इंडिया में, मतलब अभी से 2-4 साल पहले तक तो यार सर्टिफिकेशन ही काम आती थी, कि मतलब आप डिग्री लो, डिग्री लेके आपकी, मतलब 10 साल पहले क्या होता था, 10 साल पहले तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज से हायरिंग होती थी, कि जो कॉलेज, जब सही बात इंटरनेट है। वगैरह कम होता था तो कॉलेज में आप गए, जो कॉलेज में कंपनी आएंगी वहां आप हायर हो जाओगे, खत्म हुआ नहीं वहां, तब तक तो ये ट्रेंड था कि कॉलेज आपको बढ़िया चूज करना है, क्योंकि आपकी हायरिंग सारी डिपेंडेंट कॉलेज पे है, तो आप पुराने टाइम में अगर जाओगे तो लोग ये बोलते थे कि SRCC और इन कॉलेजेस में अगर तेरा हो गया तो वहां नौकरी अच्छी लग जाएगी, क्योंकि नीचे वाले कॉलेजेस में कंपनियां नहीं आती,
बट अब तो मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं तो कितने दो तीन अभी डेवलपर्स हैं, उन्होंने छोड़ दिया कॉलेज बीच में, 2-3 साल में छोड़ दिया। हाँ ओ बिल्कुल, वो रिस्क ओके ले रहे हैं छोड़ने का, क्योंकि पता है उन्हें कि इस कॉलेज की डिग्री से तो बेटर यही है कि मैं अपना घर बैठ के कोडिंग कर लूँ, क्योंकि मेरे को रिमोट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना, मैं टूल बना सकता हूँ, 2-2.5 साल है मेरे पास, मैं कुछ और अपना कॉन्टेंट बना सकता हूँ, अपना थोड़ा ऑडियंस बिल्ड कर सकता हूँ। आप ऑडियंस बिल्ड करना तो इतना आसान है, ऑडियंस बिल्ड करके डेवरल लेना तो आज की डेट में इतना आसान है, वो भी नहीं करते लोग जो मैंने देखा, मतलब Web3 और ब्लॉकचेन AI कंपनीज में आप डेवरल बन सकते हो बहुत आराम से, बट ये कि उसके लिए आपको लगातार कंटेंट बनाना पड़ेगा, और कंटेंट वो लूप ही है ना बेसिकली, कि क्यूरियस बंदा ही सब कुछ कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे। आप समझ रहे हो कि फैंग वाले सब कर रहे हैं, आप समझ रहे हो कितने सारे ऐसे लोग जानता हूँ जो कंटेंट भी बना रहे हैं, कोर्स भी बेच रहे हैं, उनके प्रोडक्ट भी चल रहे हैं, वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं है ना, वो साथ में अपस्किलिंग भी करते हैं, इंटरव्यू भी देते रहते हैं, और दूसरी कंपनियों में स्विच भी कर रहे हैं। तो वो बेसिकली वो ये कि जो मतलब क्यूरियस है ना, वो ही 5-6 चीजें कर रहा है, और जो नीचे वाले हैं वो जीरो कर कुछ भी नहीं कर रहे हैं बेसिकली, तो वो थोड़ी तो आपका गोल क्या है? मतलब आप इंस्टाग्राम पे जो डालते हो और यूट्यूब पे भी आप डाल रहे हो, लिंक्डइन पे भी डालते हो, तो इन सब से आपका इसका एंड गोल क्या है? बाई एंड गोल तो नहीं पता, बट हाँ ये कि अभी स्टडी अब्रॉड में घुस रहे हैं हम थोड़ा सा ना, स्टडी अब्रॉड में हाँ स्टडी अब्रॉड वगैरह में घुस रहे हैं थोड़ी सी, वो मार्केट बहुत बड़ी है तो कैप्चर करने का थोड़ा मेरा तो मन है, मेरा तो क्या बिल्कुल सिंपल दिमाग ही चलता है बिजनेस वाला, जैसे मैं बता रहा था आपको कि मतलब मार्केट की डिमांड है तो उसको फिल करेंगे, उससे ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कोई वो रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है कि ये चाहिए नहीं चाहिए, ये बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए है ना, ये मतलब वट एवर, मतलब बिजनेस तो बेसिकली धंधा और धंधा पैसा है, तो वो जहाँ नीड है वहाँ फुलफिल कर देंगे। जैसे स्टडी अब्रॉड में बहुत बड़ी नीड ये है कि स्टडी अब्रॉड के जो कंसल्टेंट्स हैं वो इंडिया में खुद अपने शहर से बाहर नहीं गए हैं, तो हाँ बिल्कुल अच्छा, वो वहाँ बैठे हैं फरीदाबाद से, हाँ अरे पागल है क्या, न्यूयॉर्क तो मेरे भाई इतनी शानदार जगह है न्यूयॉर्क, पता है वहाँ जाएगा तू पढ़ाई करने, बहुत बढ़िया है। एलए तो इतना बढ़िया है, तू जाएगा यूएससी में पढ़ी हो बहुत अच्छी बात है, बच्चों की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं वो ना बेसिकली। तो स्टडी अब्रॉड का पेज मैंने वैसे ही मजाक मजाक में स्टार्ट करा था, उस पे 40-50 हज़ार वो हो गए फॉलोअर ना देखते देखते, तो टेस्ट कर रहा था ऐसे आइडिया की, मैं देखता हूँ कि स्टडी अब्रॉड में लोग जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते, तो जानना चाह रहे हैं एक्चुअली बहुत ज्यादा। तो एक तो पार्टनरशिप्स भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में ना, यॉकेट वगैरह लेवरेज लेवरेज काफ़ी यॉकेट है, बढ़िया है इस फ्यूचर चीज़ एंड्स में। है, 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो बेसिकली तो सिंपल से बिजनेस है भाई, बहुत ज्यादा पैसा है, टिकट साइज बहुत बड़ा है, इंडिया से 1 करोड़ बंदा बाहर जाता है हर साल, टिकट साइज इज टू बिग टू इग्नोर, और 1 से 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं लोग इस टाइम पे, 40-50 लाख मास्टर्स के लगते हैं, 1-1.25 करोड़ रुपए लगता है अंडर ग्रेड का, तो आप उस उनसे ये कि उनकी हेल्प करने के लिए चार्ज करते हैं लोग बेसिकली, दैट इज द बिजनेस मॉडल, कि आप उनकी हेल्प करो, कर रहे हैं जो, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं ना बच्चों के कि वीजा से लेके ट्रैवल तक, रूममेट्स तक, ये मतलब करोड़ों सवाल जवाब हैं, और अंडर ग्रेड में तो कुछ ज्यादा ही है क्योंकि 17-18 साल का बच्चा आ रहा है, तो मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जिसमें ना आप मतलब, अब क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है यूएसए में, तो मैं उनको ना हर कॉलेज में कनेक्ट करवा पाऊँ, मतलब मेरा एम वो है थोड़ा ज्यादा, मतलब पैसों से ज्यादा एम ये है कि जैसे अगर कोई बच्चा लेट से वर्जीनिया टेक में आ गया, और अगर वो मेरे को मैसेज करे ना कि यार मैं भैया वर्जीनिया टेक जा रहा हूँ, तो मैं उसी दिनों से ही बोल पाऊँ कि भाई ये दो बंदे हैं इनसे जाके मिल ले, तो ये बैठे हैं वहाँ पे, और तो इनसे जाके लाइब्रेरी में मिल ले, तो उनका नेटवर्क बन जाए वहाँ पे ना, तो वो आसानी हो, क्योंकि अभी क्या है कि मास्टर्स करने भी अगर आप आओगे ना यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है एकदम, लोगों को ढूंढना बैठना उनसे बातें बातें करना एकदम कहाँ से करोगे है ना, आजकल तो घरों में बैठते हैं लोग, तो वो भी दिक्कतें बढ़ती है। तो कैसे बनाते हो आप, कैसे नेटवर्क बनाते हो? मेरा बन थ्रू इंस्टा वगैरह ही बनता जा रहा है, फॉर्म्स वगैरह लीड कलेक्शन कर लेते हैं, थोड़ी लीड्स वगैरह जनरेट करते हैं, काफी सारे टूल्स हैं, तो जैसे भी एक बड़ा अच्छा टूल मैंने कल देखा प्रोस्पेक्ट है, और लीड जनरेशन ही है बेसिकली, तो कि जितना ज्यादा लीड्स कलेक्ट करते रहोगे वन बाय वन ना उतने ज्यादा है, तो कभी कभी फॉर्म्स के थ्रू कर लेते हैं, कभी कभी वैसे ही इंस्टाग्राम पे कर लिया, कभी गूगल मीट पे बुला लिया लोगों को, तो काफी डाइवर्स है। और यूएसए में क्या है कि इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है ही नहीं ना जहाँ पे मास्टर्स या अंडर ग्रेड करने आ रहे हैं, वो बस 20-25 ही हैं, की मतलब हर स्टेट की एक स्टेट कॉलेज है बेसिकली, तो 50 आप स्टेट कॉलेज लगा लो, 50 में से 25 स्टेट कॉलेज लगा लो, बाकी आपके आईवी लीग वगैरह 2-4 मतलब 8-10 हो, और कुछ गिने चुने 10-15 हो, तो 40-40 एक यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे लोग जाते हैं, तो इनमें क्या है कि एक एक दो दो तीन तीन लोग भी हो ना उसकी बड़ी
उस नेटवर्क को यूज करने का आई थिंक अब टाइम है। और वैसे क्वेरीज वगैरह तो आती थी, और मैंने टेस्ट भी करा हुआ है पहले ना, तो जैसे दो लड़के 2019 में IIT में उनका सिलेक्शन हो गया था, बट मैंने दोनों को कन्विंस करके US में अंडर ग्रेड करवा दी थी उस टाइम पे उनके पेरेंट्स। हाँ, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे दोनों, IIT में जिसका हो गया तो वो स्मार्ट ही थे, उनपे पैसा बहुत था, तो वो दोनों ही आज बड़े अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, पेपैल और इसमें ना, एक पेपैल में और एक फेस मेटा में। बट आप बताओ भाई, क्या कर रहे हो नेक्स्ट, अब क्या बड़ा लॉन्च कर रहे हो कुछ नई? कुछ नहीं सोचा, बट मतलब मुझे लगता है कि इस टाइप का कंटेंट काफी ज्यादा हो गया अब, जिसके अंदर मतलब जो मैं भी बना रहा था अब तक, कि बता दिया सिस्टम डिजाइन एंड वो सब, आई डोंट थिंक वो सब अब चलता है। कुछ तो डिफरेंट ही करना पड़ेगा, तो मैं वही डिफरेंट कंटेंट आइडियाज और इन पे ही फोकस करने का सोच रहा बट था। जो ये अभी एक सीरीज निकाली है ना आपने, ये बहुत बढ़िया है भाई, जो इंटरव्यू बता रहे हो ना कंपनीज के, कि इस कम, मैं बट भूल, काफी सारे भूल गया हूँ जो मैंने दिए थे ना, बट इसमें जरूरी नहीं है कि आपने दिए हो वही बताने हैं, आप इन जनरल उनका बता सकते हो तो दूसरों का भी, बट वो बहुत अच्छा है, वो काफी हेल्प करेगा लोगों की ना, कि जैसे स्ट्राइप का बहुत सारी है, जैसे इवन USA में तो सबसे बड़ी बात ये कि आप बहुत वैरायटी की कंपनीज मिलती है, जैसे इंडिया में तो हायरिंग प्रोसेस बड़ा रिस्ट्रिक्ट, मतलब सिमिलर ही है, हो गया कि भी डीएल है वो, बट यहाँ पे बड़ा डिफरेंट है। तो जैसे मैं वीडियो देखी ना आपकी, तो मेरे को अपने पुराने दिन याद आ गए, वेनमो, वेनमो करके कंपनी है, ब्रेन ट्री वेनमो जो कंपनी है, वो एक बड़ा यूनिक टेस्ट लेती थी अपने टाइम पे ना, आज से बहुत साल पहले, वो एक अजीब सी चीज भेजती थी आपको, जिसको आपको मतलब टेक होम टेस्ट होता था, 48 आवर्स देते थे, वो कहते थे 2 दिन ले लो कोई बात नहीं, बट आप हमें बढ़िया सॉल्व करके दो, है ना। और उस टाइम बड़ा जबरदस्त वो एक्सपीरियंस होता था उनका ना। ऐसे हैं दो तीन, जैसे स्केल AI जो इतनी बड़ी AI की कंपनी है, वो डेटा लेबलिंग का प्रॉब्लम दे देती थी अपने टाइम पे, आज से जो स्टार्टिंग इंजीनियर जो वो हायर कर रहे थे, वो देते थे कि आप इस डेटा, जो हमें काम है बेसिकली, जो हम काम अंदर कर रहे हैं वही आप हमें करके दे दो, तो वो काफी सही कर रहे हो भाई। आई थिंक वो और करो भाई कंटिन्यू, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है देखने का, आई थिंक लोगों को भी आएगा कि जो अलग अलग कंपनीज के वो बता रहे हो ना इंटरव्यू वाले। मैं मोस्टली कंट्री वाइज बता रहा था, क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोगों को होता है कि बाहर जाना है बाहर जाना है, तो US में तो डायरेक्टली कोई ऐसे जा नहीं सकता, मतलब मास्टर्स के बिना या फिर इंटरनल ट्रांसफर लेने के बिना, तो यूरोप में फिर भी जा सकते हैं लोग। हाँ, यूरोप में काफी जाते हैं लोग, स्वीडन वगैरह जा रहे हैं, स्वीडन से एक्चुअली एक रिपोर्ट अभी आई है कि काफी लोग वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं आज ही, देखिए आज ही आइए, हाँ, मजा आया मैंने। कनाडा, स्वीडन, दो तीन कंट्रीज हैं जहाँ से काफी लोग वापस आ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज कम है। यूरोप साइड थोड़ा सा बस ये कि महंगा बहुत है रहना ना, हल्का सा वो डाउन साइड है यूरोप का, तो मैं US यूजुअली प्रेफर करता हूँ सभी को, बट US मास्टर्स के बिना तो वो बहुत ही नामुमकिन है बेसिकली।